अभी स्विफ्ट को पूरा मिनी कूपर बना दिया है। मजाक करो, मिनी कूपर नहीं, आजकल देखो यहाँ पे पूरा प्रोसेस चल रहा है, कैमरे और जो सेंसर्स होते हैं पूरे इंस्टॉल कैसे किया जाता है, पूरा उसका प्रोसेस चल रहा है। यूट्यूब चैनल रोहन व्लॉग्स और आज की जो वीडियो है यार वो मारुति सुजुकी स्विफ्ट के ऊपर होने वाली है। तो उसमें वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि गाड़ी के ऊपर जो सीट कवर्स हैं वो कैसे इंस्टॉल होते हैं, कैसे सेंसर्स वगैरह जो इंस्टॉल किए जाते हैं गाड़ी के अंदर जो रियर बम्पर में लगते हैं, और मतलब पूरा प्रोसेस आपको एक चीज़ समझाऊंगा कैसे चीज़ें क्या होती है। तो वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना अगर आपको अच्छी लगे तो। रोहन की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए घंटा दबा दें। काम चल रहा है, इसकी पूरी सीट्स निकली हुई है गाड़ी की, तो आपको मैं गाड़ी एक बार अंदर दिखाता हूँ। गाड़ी पूरी खुली हुई है अंदर इस टाइम, तो चेक करो एक बार यार, ये देखो पूरी गाड़ी की सीट्स वगैरह निकाली गई है सीट कवर इंस्टॉल करने के लिए। तो ये देखो इसमें आप अभी तक जो इसमें चीज़ लगी है, देखो ये मॉनिटर लगा हुआ है जो रियर व्यू मॉनिटर है, इसमें पीछे का पूरा मतलब कैमरे का पूरा आउटपुट इसमें दिखेगा। और एक ये देखो ये सेंसर का यहाँ पे लगा है, ये चेक करो एक बार आप। तो बाकी आपको मैं दिखाता हूँ, देखो पूरी सीट देखो खुली पड़ी है, ठीक है, ये देखो पूरी गाड़ी पूरी खुली पड़ी है। बाकी रियर में भी जो रियर सीट है, पीछे की जो सीट है उसमें भी कवर लग गया है। तो ये देखो ये रियर सीट पे भी पूरी बैक सीट पे भी पूरा वो लग गया है। और ये देखो आप मैट, ये स्विफ्ट के मैट है जो पूरे जो नीचे फ्लोर मैट होते हैं, जो ये मतलब इसकी क्वालिटी आप चेकआउट करोगे ना यार बहुत अच्छा है, जो कंपनी देती है ना उससे तो काफ़ी मोटा है और काफ़ी अच्छा है ये, मतलब इसका कोई ख़राब होने का चांस नहीं, कुछ चांस नहीं। जैसे लोग कंपनी से लगवाने के बाद भी ऊपर से मैट वो लगाते ही है, तो इसमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं है आपको। और बाकी ये देखो एक बार एक चीज़ और दिखाऊं मैं आपको, तो ये देखो ये इसकी साइड बीटिंग है पूरी प्रॉपर स्विफ्ट की, क्रोम वाली साइड बीटिंग है। जब इंस्टॉल हो जाएगी तो मैं उसके बाद भी आपको पूरी प्रॉपर दिखाऊंगा कि ये इंस्टॉल होने के बाद कैसी लग रही है चीज़। ये भी देखो ये पूरी पैकेज स्विफ्ट 2018 यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, और ये सारी इंपोर्टेड क्वालिटी है, कोई लोकल सामान नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक मिनट तो ये हो गया, एक मिनट में आपको और दिखाऊंगा इसके बाद, जब तक आप ये चेकआउट करो। ये देखो ये स्विफ्ट की साइड वो है डोर वाइजर, ये देखो चेकआउट करो डोर वाइजर आप, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, कहीं भी मतलब टूटने का चांस नहीं, कितने भी इसे फोल्ड कर लेंगे तो भी ये टूटने का कोई चांस नहीं है। बाकी मैं एक सीट का इसके आपको एक मैट और दिखा देता हूँ। गाइस देखो चेकआउट करो यार ये जो मैट, मतलब पहले तो ये वाले मैट लगेंगे नीचे और इसके ऊपर ये वाले मैट लगेंगे, तो ये मैट चेक करो आप। जो आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो बलिनो वाली, जिसमें मैंने बलिनो की मॉडिफिकेशन दिखाई थी, तो ये उससे भी ऊपर क्वालिटी है, उससे भी अच्छी क्वालिटी है। देखो इसी आप गहराई चेक करो यार, ये देखो मतलब जो इसकी गहराई है ये चीज़ चेक करो आप पूरी, मतलब जो मतलब मिट्टी इसके अंदर है उसके अंदर रहेगी, और ये प्रॉपर स्विफ्ट के लिए है, कोई यूनिवर्सल नहीं है कुछ नहीं है, ये प्रॉपर स्विफ्ट के ही है। ये देखो आप नीचे वाले, इसके भी गहराई पूरी चेकआउट करो यार, तो ये पूरे प्रॉपर स्विफ्ट के है, इसमें कोई यूनिवर्सल नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई लोकल काम नहीं, सारा एकदम ओरिजिनल इंपोर्टेड क्वालिटी का काम है, ठीक है। ये होगी अपने काम, बाकी जब ये चीज़ें इंस्टॉल हो जाएगी फिर मैं आपको पूरी गाड़ी चेकआउट कराऊंगा एक बार अंदर बाहर से पूरी, फिर आप बताना गाड़ी कैसी लग रही है आपको। सीट कंप्लीट हो चुकी है बिल्कुल स्विफ्ट की, ये देखो आप ये पूरी सीट कंप्लीट हो चुकी है, जब फ्रंट की सीट है पूरी गाड़ी से बाहर निकाल के इसे कंप्लीट करी गई है। ये देखो पूरी ये बकेट फिट सीट कवर है, ये पूरी बकेट फिट सीट कवर है, देखो आप नापा लेदर यूज़ किया है इसके अंदर, ये देखो कुछ नहीं देखो इसकी आप, मैं दिखाता हूँ आपको ऐसी कुछ नहीं, चेक करो एक बार आप, ये देखो तो ये पूरी यहाँ से प्रॉपरली पूरी अंदर तक स्टिच है, पूरी बकेट फिट है, चेक करो एक बार। मैं दिखाता हूँ आपको जो इसमें सीट कवर नहीं लगे वो चेक करो एक बार कैसी लगती है। ये देखो ये विदाउट सीट कवर है, इसके ऊपर भी अभी इंस्टॉल होगा सीट कवर पूरा प्रॉपर, ये देखो। बाकी बाहर भी पूरा प्रोसेस चल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ सेंसर्स कैमरा कैसे इंस्टॉल होते हैं। वैसे ये देखो इसमें पूरा मतलब भाई अभी लगे हुए हैं पूरा बकेट फिट सीट कवर लगाने में, तो एक बार भाई से पूछते हैं, भाई इसका मतलब क्या प्रोसेस होता है, कैसे इसमें क्या करते हैं। अच्छा तो पुराना सीट कवर जो होता है पूरा मतलब कट के फिर उसमें पूरी इंस्टॉल की जाते हैं, तो ये जो सीट कवर होते हैं ना तो ये टाइट इससे किए जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं भाई, ये लोहे वाले को क्या बोलते हैं, ये लॉक से टाइट किए जाते हैं जो सारे सीट कवर जो बकेट फिट होते हैं प्रॉपर पूरे अंदर वायर डाल के, मतलब अच्छे से मतलब तरीके से पूरी करे जाते हैं। बाकी आपको मैं सीट कवर दिखाता हूँ एक बार,
सीट कवर की क्वालिटी चेक कराता हूँ एक बार आपको। ये देखो ये पूरा सीट कवर है स्विफ्ट का, तो आपको इसकी क्वालिटी चेक कराता हूँ देखो एक बार। तो ये देखो यहाँ पे से जो कपड़ा लगा, ये कपड़े भी मतलब बहुत एकदम बेस्ट क्वालिटी का है, कहीं से कोई फटने का कोई चांस नहीं है, काफ़ी मोटा। और यहाँ पे भी कुशनिंग काफ़ी अच्छी कुशनिंग करी हुई है, ये देखो यहाँ पे आप मतलब पूरी प्रॉपर अच्छे से कुशनिंग की हुई है। ये देखो अंदर आप स्टिचिंग वगैरह जो होती है एकदम प्रॉपर मतलब पूरी अच्छी क्वालिटी का है, अच्छे से पूरी स्टिचिंग वगैरह अच्छे से करी हुई है। चेक करो एक बार, ये देखो। तो ये पूरा बकेट फिट सीट कवर है, ये पूरा बकेट फिट होगा इसके ऊपर, तो फिट हो जाएगा। तो उसके बाद मैं आपको लास्ट में पूरा दिखाऊंगा कि कैसे क्या हुआ है, पूरी जो मतलब गाड़ी में पूरी फिटिंग होने के बाद गाड़ी कैसी लग रही है अंदर से, और एक्सटीरियर पे जो सामान लगेगा वो पूरा आपको मैं चेक कराऊंगा। जब तक ये देखो भाई पूरा इंस्टॉल कर रहे हैं इसमें, ये देखो तो पूरी सीट सारी बाहर निकली हुई है, सारी सीट में इंस्टॉल हो रहा है। एक सीट यहाँ पे चल रहा है काम, और एक सीट ये देखो इसमें पूरा हो चुका है। तो बाकी मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा चेकआउट कराता हूँ बाहर से, पूरा अंदर से कैसी लगती है गाड़ी कंप्लीट होने के बाद। तो कहीं देखो यहाँ पे पूरा प्रोसेस चल रहा है, कैमरे और जो सेंसर होते हैं पूरे इंस्टॉल कैसे किया जाता है पूरा उसका प्रोसेस चल रहा है। तो यहाँ से ये पूरी लाइट निकाली हुई है स्विफ्ट की, जो टेल लाइट होती है, और यहाँ से ये पूरा इसमें कैमरे का मतलब होल करके कैमरे इसमें खाली फिक्स किया हुआ है, अभी अंदर से पूरा प्रॉपरली फिक्स नहीं किया हुआ है। देखो आप कैमरा सेंसर पूरे इनका होल कर दिया है लेकिन अभी फिक्स नहीं हुआ है। तो ये भाई बाकी पूरा देखो ये इंस्टॉल कर रहे हैं इसको, यहाँ से अच्छे से पूरा अंदर फिक्स कर रहे हैं, पूरा स्नग फिट होता है एकदम अच्छे से। ये चेकआउट करो आप, मतलब कहीं से कोई गैप नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, पूरा स्नग फिट है ये, मतलब इसमें कहीं से कोई गैपिंग नहीं होती, कुछ नहीं होती। देखो ये चेकआउट करो, एक ये वाला भी चेकआउट करो आप। तो ये पूरे सारे स्नग फिट होते हैं, फिर यहाँ से इसकी वायरिंग अंदर जाती है, यहाँ से इसकी वायरिंग अंदर जाके यहाँ से पूरा कनेक्शन होता है, इधर यहाँ पे पूरा कनेक्शन होता है इसका। तो गाइस ये देखो ये जो स्विफ्ट है न्यू स्विफ्ट है अभी, मतलब इसकी ना डिलीवरी भी नहीं हुई है, तो उसमें सारा काम जिनकी भाई गाड़ी है वो सारा काम यहाँ पे कराने आए थे, ठीक है। तो अभी स्विफ्ट को पूरा मिनी कूपर बना दिया है, मजाक कर रहा हूँ, मिनी कूपर नहीं, आजकल बहुत चल रहा है ना न्यू स्विफ्ट को मिनी कूपर बनाने वाला ट्रेंड, तो मैं भी मजे ले रहा हूँ इसलिए। बाकी मिनी कूपर नहीं बनाई है, स्विफ्ट स्विफ्ट ही रहेगी, ठीक है। बाकी गाड़ी का जो पूरा काम था कंप्लीट हो चुका है, मैं आपको एक बार पीछे से पूरा दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं चीज़ दिखाता हूँ पीछे से, ये देखो ये पार्किंग सेंसर्स, ये देखो पार्किंग सेंसर प्रॉपर पूरे लग चुके हैं, और ये देखो कैमरा भी इंस्टॉल हो चुका है, पार्किंग कैमरा पार्किंग सेंसर्स, मतलब हर चीज़ गाड़ी में इंस्टॉल हो चुका है रियर साइड पे। और साइड प्रोफाइल की बात करूँ मैं तो ये चेकआउट करो यार गाइस, साइड प्रोफाइल पे अपना जो डोर वाइजर है ये भी पूरा लग चुका है, देखो मतलब फ्लेक्सिबिलिटी पूरा फ्लेक्सिबल है, ये कहीं से कोई निकलने का कोई चांस नहीं है, पूरा फ्लेक्सिबल है। तो ये भी पूरा इंस्टॉल हो चुका है। तो अंदर से चेकआउट करो आप, देखो अंदर से अपना एक मैट तो ये लगा जो आपको मैंने दिखाया था, जो बकेट वाला है मैट है, ठीक है। एक मैट अपना ये लगा है और एक मैट अपना ये नीचे लगा है, ठीक है। तो ये दो अपने मैट इंस्टॉल हो चुके हैं, दो यहाँ पे भी इंस्टॉल हुए हैं, यहाँ पे भी, और आगे की साइड भी दो मैट इंस्टॉल हो चुके हैं। जिसकी फ्रंट दोनों सीट्स हैं वो बकेट फिटिंग के लिए सीट कवर्स लग रहे हैं, तो वो अंदर है शॉप में, ठीक है। तो आपको मैं एक बार आगे से दिखा देता हूँ, एक बार आगे से चेक करो, देखो आगे से ये मैट है, ये मैट ये भी लग चुका है और एक ये भी मैट लग चुका है। इस मैट में देखो यहाँ पे पूरा ये ग्रिपिंग दी हुई है, ताकि जो बंदा बैठे या ड्राइव करे तो कहीं पे उसको कोई इशू ना आए, सबसे बड़ी चीज़। और ये अपने पार्किंग सेंसर्स का ये भी लग चुका है यहाँ पर प्रॉपरली, और अपने कैमरे के लिए मॉनिटर यहाँ लग चुका है पूरा प्रॉपरली। आपको मैं इसकी क्वालिटी चेक करा देता हूँ एक बार, तो गाइस एक मिनट चेकआउट करो, देखना इसकी क्वालिटी चेक करना आप। ये देखो तो ये पूरा इसकी क्वालिटी चेक करो आप, देखो ये पूरा डायरेक्शन भी कर रहा है, कैसे कैसे क्या कर रहा है, और पीछे की क्वालिटी चेक करो कितनी अच्छी क्वालिटी इसकी आ रही है। और वो देखो वहाँ पे अपना सेंसर्स का भी चालू हो चुका है, तो पूरा अंदर से पूरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। सीट्स बची हैं, सीट्स लग जाएंगी लास्ट में, उसकी वीडियो मैं आपको लास्ट में पूरी दिखा दूंगा अच्छे से, ठीक है। और साइड बिटिंग जो अपनी बच रही थी, ये देखो गाइस चेकआउट करो यार, साइड बिटिंग भी पूरी लग चुकी है विद क्रोम फिनिश, देखो। तो जो काम हुआ है पूरा, जैसे मारुति जेन्युइन एक्सेसरीज का काम होता है, काम पूरा वैसे का वैसे ही ए ग्रेड का सारा काम हुआ है, अच्छी क्वालिटी का सारा काम हुआ है, ये देखो बेस्ट। एक चीज़ अपनी बच रही थी वो ये है बम्पर प्रोटेक्टर, तो ये भी लग चुके हैं। तो ये देखो पूरी फिट एंड फिनिश कितनी अच्छी है इसकी, चेकआउट करो यार। तो ये लुक देखो कैसा लुक दे रहा है, मतलब ये जो बाइकर्स होते हैं उनसे गाड़ी को काफ़ी प्रोटेक्ट करेगा, जो साइड में स्क्रेचेस पड़ जाते हैं तो उससे ये काफ़ी मतलब हेल्पफुल रहती है चीज़ें, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी साइड बिटिंग देखो आप, और ये डोर वाइजर चेक करो, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है लुक वाइज, गाड़ी काफ़ी एकदम मतलब कहीं से कुछ नहीं लग रहा कि कोई आफ्टर मार्केट काम हुआ है, सारा लग रहा है जेन्युइन काम हुआ है।
तो गाइस आपने पूरी वीडियो को एंजॉय करा, पूरी वीडियो देखी आपने कि हमने स्विफ्ट के अंदर क्या क्या एक्सेसरीज लगाई, क्या क्या चीजें उसमें इंस्टॉल हुई है, कैमरा, सेंसर, सीट कवर्स, एवरीथिंग जो भी इसके अंदर इंस्टॉल हुई है। तो अगर आपको अपनी गाड़ी में भी कोई चीज या कोई एक्सेसरी इंस्टॉल करानी है तो आपको वीडियो में नंबर आ जाएगा कारप्रो का, आप वहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको मैं नीचे दे दूंगा कारप्रो का नंबर एड्रेस, तो वहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अपनी शॉप है तो यहाँ से आके आप कोई भी काम करा सकते हो। अगर आप बताओगे कि आप रोन ब्रोस के थ्रू आए हो तो आपका अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।